3. Today we are going to study about recycle. In previous lecture, I explained you about natural resources. What is natural resource? A natural resource is a useful thing which comes from nature, like land, water, air and forest. Then I explained you about 3 RS, means reduce, reuse and recycle. Today we are going to study about recycling. What is recycle? If we recycle things, they can be made into something new or different. जैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि हम हर यूज़ की भी चीज़ को दोबारा से अपने यूज़ में ला सकते हैं. लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी पेपर, एनवेलप, कार्टन्स, बैग्स, प्लास्टिक बैग्स. तो एक चीज़ को दोबारा से अपने यूज़ में लाना इज़ रिसाइकल. ठीक है, फॉर एग्जांपल ड्रिंक कैंस आर श्रेडेड एंड ग्राउंड इनटू स्मॉल पीसेस. The small pieces are then melted in a furnace to produce molten aluminium. अब देखें, अब कैन लेते हैं, वाटर कैन या कोई भी कोल्ड ड्रिंक का. ठीक है, तो वो दोबारा से हम अपने यूज़ में कैसे ला सकते हैं? उन कैंस को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उनको मेल्ट किया जाता है एक किचन टाइप, यानी कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्निंग प्रोसेस से उसको गुजारा जाता है. ठीक है, तो वो एक मोल्टन एल्युमिनियम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि बिल्कुल ही मेल्टेड फॉर्म में. लाइक अगर आप किसी चीज़ को मेल्ट करें तो किसी और शेप में, यानी कि वो मोल्टन सी शेप में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, दिस इज़ कूल्ड एंड मेड इंटू शीट्स विच कैन बी यूज फॉर मेकिंग एनी एल्युमिनियम प्रोडक्ट लाइक मोर कैंस एंड लिड्स. अब दोबारा से फिर उसको, पहले तो उसको हीटअप किया जाता है, उसके बाद उसको कूल किया जाता है, तो फिर उसको दोबारा से आप किसी भी शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी कैन में दोबारा से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी लिड. यानी कि एक यूज्ड कैन को मेल्ट करके फिर कूल करके दोबारा से किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हम कर सकते हैं. Recycling aluminium has many environmental benefits, one of which is energy saving. Much more energy is needing to extract mined aluminium. We also save natural reserves of aluminium. You will learn more about recycling in next chapter. अब ये environmental benefit कैसे दे रहा है? अब देखें, जब आप underground mining करेंगे, यानी कि आपको पता है ना कि underground mining करके different प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, यानी कि आपकी अर्थ के नीचे से उस हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालते हैं, जिसमें से एक एल्युमिनियम भी होता है. देखें, अब अगर हम उसी कैन को, यूज्ड कैन को दोबारा से अपने यूज़ में ले आएंगे रिसाइकल करके, तो इस तरह से टाइम भी सेव होगा और नेचुरल रिसोर्सेज भी सेव होंगे. ठीक है, और आप इसके बारे में अपने नेक्स्ट चैप्टर में और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में आप इसको ब्रीफली पढ़ सकेंगे. अभी आपको रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज एक्सप्लेन कर दिया है, नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं. दोबारा से मैं आपको एक दफ़ा बताऊं, नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स इज़ अ गॉड गिफ्टेड थिंग्स लाइक लैंड, वाटर, एयर एंड फॉरेस्ट. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. Reduce, reuse and recycle. See, look at this boy. He have plastic bottles. You can use plastic bottles again and again by the process of recycling.